होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हम आपके सामने क्या है, क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले? माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों के सामने एक जबरदस्त तकरीर की, उन्होंने कहा मुसलमान जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह देता है, आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि मुसलमान पीठ पर नहीं सीने पर जख्म खाता है। एंड वी विल फाइट, वी विल फाइट, वी विल गो बैक एंड फाइट। माय कंट्री हार्कन्स फॉर मी, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम हियर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? आई एम गोइंग।